नायब तहसीलदार और अलाइड का सिविल स्टैप अपना एक नया ऑफलाइन बैच अनाउंस कर रहा है और ये बैच 2 दिसंबर से शुरू होगा। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग इस बैच की किस तरह से लय रहने वाली है, किस तरह से इसका फ्लो होगा बैच का और पूरा स्ट्रक्चर कैसे होगा इस पढ़ाई का, उसको गो थ्रू क्विकली कर लेंगे। तो जो बैच 2 दिसंबर को शुरू होगा, इसमें क्लासेस आपकी ऑफलाइन मोड में चंडीगढ़ में ही लगेंगे। अगर कोई व्यक्ति कोई बच्चे इसमें ऑनलाइन भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें क्लासेस लाइव स्ट्रीम होंगी और हमारी ऐप के थ्रू ही वो क्लासेस स्ट्रीम की जाएंगी। तो यूट्यूब से ही क्लासेस नहीं चलती, यूट्यूब में जनरली जो हमारे सेशंस रहते हैं वो फ्री सेशंस होते हैं, जो आपको तैयारी से पहले या तैयारी के बाद में जिन सेशंस की जरूरत होती है वो यूट्यूब पे डिलीवर किए जाते हैं। जो पढ़ाने वाली क्लासेस है प्राइमरीली वो हमारी ऐप के ऊपर ही चलेंगी। तो इस तरह से ये क्लास रहने वाली है, 2 दिसंबर से क्लास शुरू होगी अलाइड एग्जामिनेशन के अंदर और एनटी के अंदर प्राइमरीली, क्योंकि एनटी में इंटरव्यू स्टेज इन्वॉल्व है, जो कि इस साल जैसे एनटी का जो है रिजल्ट आया इस साल, तो पिछले साल एग्जाम कंडक्ट हुआ उसमें इंटरव्यू स्टेज थी। अलाइड और एनटी दोनों के अंदर मेंस एग्जामिनेशन भी होता है, तो इसी बैच में हम प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस को अच्छे से कवर करेंगे। अलाइड के सिलेबस में मेजरली 3 एरिया से प्रीलिम्स पूछा जाता है। एक एरिया है जो कि यहाँ मेंशन भी है कि हिमाचल की हिस्ट्री ज्योग्राफी और सोसाइटी इकोनॉमी कल्चर के बारे में सवाल, तो 200 सवाल प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं अलाइड के अंदर, उसमें से 60 सवाल हिमाचल से पूछे जाएंगे, 80 सवाल जनरल स्टडीज सामान्य ज्ञान की डोमेन से पूछे जाएंगे और 60 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द डोमेन ऑफ करंट अफेयर। तो 200 क्वेश्चन में से ये जो क्वेश्चन एरियाज हैं 3 एरियाज निकल के आते हैं। तो हमने इन बैचेस में ये तीनों ही एरियाज को कवर करवाना है। मेंस के अंदर लैंग्वेजेस इसमें आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है और सामान्य ज्ञान जनरल स्टडीज आता है। तो लैंग्वेजेस भी इन बैचेस में पढ़ाएंगे। इन बैचेस में जैसा कि नायब तहसीलदार का सिलेबस है उसमें भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में हिमाचल का हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर है ना, ये तीनों ही पार्ट प्रीलिम्स में आते हैं नायब तहसीलदार में, वो इस बैचेस में पढ़ाए जाएंगे। जैसा कि अलाइड का पैटर्न है, काफी हद तक नायब तहसीलदार का भी ऐसा ही पैटर्न है, बस मेंस के अंदर नायब तहसीलदार में एक एसए का पेपर एक्स्ट्रा होता है जो हम आप लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे और इंटरव्यू भी इसके अंदर कवर करके देंगे। तो इस तरीके का ये बैच है। बैचेस का जो पूरा फ्लो है उसका एक तरीका होता है, जैसे आप बैच को ज्वाइन करने से पहले एक हमारी सीरीज है जिसका नाम है आरंभ सीरीज। ये जो आरंभ सीरीज है इसमें हमने बेसिक एनसीईआरटी क्लास 6 टू क्लास 12 पूरी तरीके से पढ़ाई है। तो बैचेस को ज्वाइन करने से पहले हमारी आपके से रिक्वेस्ट रहती है कि आप इन आरंभ सीरीज को जरूर देखिए। इसका ये कोर्स का लिंक, आरंभ सीरीज में जो लेक्चर है फ्री है ये, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दिया गया, तो इसके थ्रू आप एक बार बैच को सब्जेक्ट्स को क्विकली गो थ्रू कर सकते हैं और अपने बेस को बना सकते हैं। ये बेस बनने के बाद ही आप क्लासेस में बैठेंगे तो क्लासेस आपके लिए ज्यादा रेलिवेंट रहेंगी, क्योंकि हमारी क्लासेस थोड़ी हैवी रहती हैं। तो अगर आप लोग बेस बना के आए हैं तो आपके लिए वो ज्यादा ठीक रहता है। तो इस तरीके से ये फाउंडेशन बैच होता है, ये फ्री है आरंभ सीरीज। ये ऑनलाइन ही हमारी ऐप के ऊपर आप सिविल स्टैप हिमाचल की ऐप डाउनलोड करके भी वहां से इन आरंभ सीरीज को देख सकते हो। इसके बाद क्लासेस में जो हमारा मेजर काम रहता है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना, आपके नोट्स मेकिंग करना, आपको लेक्चर देना और आपके टेस्ट कंडक्ट करना। तो ये तीनों काम हम आपकी क्लासेस में करते हैं। उसके बाद हम जैसे ही आपका ये कोर्स कंप्लीट होता है, इस कोर्स के थ्रू वैल्यू एडिशन कोर्स के थ्रू आपको पॉलिशिंग करने का काम करते हैं कि आपकी जो थोड़ी बहुत कमी पेशी रह जाती है उनको एड्रेस वैल्यू एडिशन के थ्रू किया जाता है। तो हमने पूरी प्रिपरेशन को 3 स्टेज में तोड़ दिया। तो स्टेज 1 में अभी आप लोग हैं, तो आप पहले एनसीईआरटी को देखिए पढ़िए, तब आपको पता चलेगा सिविल सर्विसेज के जो एग्जामिनेशन है उनका पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफरेंट होता है, नैरेटिव थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इस तरीके से ये बैच चलने वाले हैं। तो इस बैच के अंदर हमने प्रीलिम्स और मेन दोनों को ही कवर करना है। किताबें आप लोगों को दी जाती हैं, जैसे 12-14 किताबों का ये सेट है जिसमें हिंदी इंग्लिश की किताबें हैं, सामान्य ज्ञान की किताबें हैं। ये किताबें आपको जो ऑनलाइन बच्चे उनको घर पर डिलीवर हो जाती है, जो ऑफलाइन है उनको यहीं पर ये किताबें मिलेंगी। उसके अलावा आपके करंट अफेयर की हर शनिवार को ऑफलाइन रेगुलर क्लासेस होती है, ऑनलाइन वाले उसको ऑनलाइन माध्यम से भी देख सकते हैं। ऐसे ही आपकी प्रीलिम्स और मेंस की क्लास टेस्ट लगातार इसके अंदर होते रहते हैं। ऑलमोस्ट हमने हर फ्राइडे का एक तरीका बनाया कि हर फ्राइडे को आपका प्रीलिम्स और मेंस का टेस्ट होगा जो आपने उस वीक पढ़ा है, ताकि आपकी लगातार जो इंप्रूवमेंट है या लगातार जो प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर किया जा सके। और आपको थोड़ा सा एक पुश फैक्टर भी रहता है कि टेस्ट होता है तो आपको पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि आपको पता है परफॉर्म करना है टेस्ट में। तो इस तरह से रेगुलर क्लास टेस्ट भी लिए जाते हैं। प्रीलिम्स और मेंस की कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज इसके अंदर ली जाती है। तो जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट इसमें लिए जाएंगे। साथ ही साथ जब आपका पूरा करिकुलम कंप्लीट होगा
तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम इसके तहत होता है। इस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में हम लोग आपको जैसे मॉक इंटरव्यूज हैं जूम सेशन के थ्रू या हमारे जो ऑलरेडी पैनलिस्ट हैं उनके साथ आपके ऑफलाइन मॉक सेशंस करवाते हैं ताकि आपकी जो है बॉडी लैंग्वेजेस के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर, कॉन्फिडेंस के ऊपर, इन सारे एरियाज में जहां पे अभी तक एकेडमिक लर्निंग में काम नहीं हो पाया था उन एरियाज में भी काम हो पाए। तो इस तरह का ये बैच रहना है। तो बिफोर ज्वाइनिंग द बैच आपने इस बैच के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है बिफोर रजिस्टरिंग योरसेल्फ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की फी इन्वॉल्व है। रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले आपने इस बैच में पढ़ाने वाले जो फैकल्टीज हैं, चाहे वो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, जनरल स्टडीज पढ़ा रहे हैं, सभी फैकल्टीज को गो थ्रू कर लेना है, ये बहुत अनिवार्य है। तो आपने डेमो लेक्चर यहीं पे ही लगाने हैं। ऑफलाइन डेमो सिविल स्टेप बिल्कुल भी नहीं देता है, तो क्लासेस में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा बिफोर रजिस्ट्रिंग, राइट। तो रजिस्ट्रेशन करके ही आप क्लासेस में बैठेंगे, क्लियर। इसके अलावा अगर कोई भी इंक्वायरी आप पूछना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हमारे ऑफिशियल नंबर शेयर है। ये डेमो के भी लिंक नीचे ऑफिशियल नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर है। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके किसी भी प्रकार की जानकारी सिविल स्टेप के कोर्सेज के बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में, फैकल्टी के बारे में सारी जानकारी यहां से प्राप्त कर सकते हैं, राइट। चलिए, थैंक यू।